किसी की तारीफ करने के लिए जिगर होना चाहिए, बुराई तो बिना किसी हुनर के भी की जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हम कि DTH का भविष्य क्या होने वाला है। अभी तक तो हम जो है वो नॉर्मल चैनल, SD चैनल, HD चैनल और पता नहीं किन किन चीज़ों में घूम रहे थे। आज जो है वो एयरटेल ने अपना एयरटेल इंटरनेट TV नाम का जो है वो एक DTH टाइप बोलूँगा मैं, वो जो है वो लॉन्च कर दिया है। जियो का DTH कब आएगा उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एयरटेल ने जो है बाजी मार ली है इस सेगमेंट के अंदर। तो जिन लोगों को भी एयरटेल अपने काबू में कर लेगा इस ऑफर के लिए वो तो ये ले लेंगे, उसके बाद में जो आएंगे वो सब जो है वो जियो का DTH लेंगे शायद, हालांकि उसको FTTH बोलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एयरटेल के इंटरनेट TV की कि वो क्या दिया गया है। सबसे पहले बताते हैं आपको बॉक्स, आप देख सकते हैं बॉक्स किस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो मिलता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो है एक HDMI पोर्ट या फिर आप इसको USB पोर्ट बोल सकते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एयरटेल लिखा गया है। वाईफाई के सिग्नल के लिए इंडिकेटर्स लगाए हैं, पावर इंडिकेटर है और जो है वो सिग्नल इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। पावर बटन है, एंड्रॉइड का लोगो दिया और साथ में यहाँ पर लिखा है कि डॉल्बी ऑडियो। तो अगर आप ये वाला सेट टॉप बॉक्स यूज़ करने वाले हैं तो आपको हो सकता है कि डॉल्बी ऑडियो देखने को जो है वो मिल जाएगी। और देखते हैं फिजिकल ओवरव्यू। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो इस बॉक्स के लेफ्ट साइड में आप जो है एक माइक्रो SD कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बात करें अगर इसके राइट साइड में तो यहाँ पर जो आपका कार्ड होता है, अगर आप एयरटेल DTH यूज़ करते हैं तो आपको जो है कार्ड मिलता है, जो आपका सब्सक्राइबर कार्ड होता है वो आप इसमें जो है इंसर्ट कर सकते हैं और अपना जो है कनेक्शन यूज़ कर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ काफ़ी सारे आपको जो है ऑप्शन मिलते हैं। अगर लेफ्ट से राइट की शुरुआत करें तो लेफ्ट में आपको यहाँ पर जो है वो एक पावर इनपुट है, यानी कि आप यहाँ पर जो अडैप्टर लगाएंगे, उसके बाद में डायरेक्ट एंटीना का इनपुट है जो आप यहाँ पर देंगे जिससे आपका जो है वो सिग्नल्स आपका छतरी से यहाँ तक जो है वो आएगा। उसके बाद में आपको जो है ऑडियो वीडियो का इनपुट दिया है और यहाँ पर आपका जो है HDMI आउटपुट है जिससे आप अपने TV को मॉनिटर को जो है HDMI से आउटपुट दे पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट दिया गया, USB 3.0 लग रहा है लेकिन इसका जो आउटपुट है 5V 1A का, यानी कि अगर आप कोई फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो उसको चार्ज करने के लिए 1A का आउटपुट मिलने वाला है। और जो आखिरी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ईथरनेट का। अगर आपके पास एक लैन केबल है, आपको चाहिएगी अगर आपको इंटरनेट लगाना है इसके अंदर, तो आप इसमें जो है लैन केबल से लगा सकते हैं या फिर इसमें वाईफाई इनबिल्ट भी दिया गया है लेकिन यहाँ पर एक ईथरनेट पोर्ट है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जिससे आपको बिना किसी लॉस के अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल पाएगा। और आखिरी में आपको जो है ऑप्टिकल SPDIF का एक पोर्ट मिलता है। ये क्या काम करता है सच्ची बताऊँ अपने को नहीं मालूम, ठीक है। रिमोट की बात करें तो ये है इसका रिमोट, और रिमोट की जो खासियत है, हालांकि डिज़ाइन सब कुछ सेम ही लग रहा है जैसा अगर नॉर्मल देखते हैं आप, थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस किए गए हैं और जो बटन होते थे थोड़े बहुत उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखो यहाँ पर TV के ऑन ऑफ का बटन है और जो बीच में आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं वो है यहाँ पर इसका माइक्रोफोन। जी हाँ, अगर आप गूगल की कुछ वॉइस कमांड यूज़ करना चाहेंगे तो वो आप यूज़ कर पाएंगे लेकिन आपको इससे जो कमांड देनी पड़ेगी उसके नीचे लाइव का, प्ले पॉज का, रिकॉर्ड का, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन का। और बीच में आपको जो है 4 नेविगेशन कीज दी गई हैं क्योंकि ये जो TV है या इंटरनेट जो बॉक्स है ये आपके नॉर्मल TV को एक स्मार्ट TV बनाने वाला है, तो आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो सारे के सारे नेविगेशन आप यहाँ से जो है इसमें कर पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो है चैनल के बटन दिए गए हैं जिससे आप चैनल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं तो नंबर भी आप डाल करके कर सकते हैं। ये जो रिमोट है ये एक ब्लूटूथ रिमोट है जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको ब्लूटूथ के द्वारा जो है यूज़ कर पाएंगे। हालांकि ये जो है वो RF वाला रिमोट नहीं है, RF वाला फंक्शन इसमें है इनबिल्ट जो कि आपके TV के ऑन ऑफ में काम आएगा। तो एयरटेल का जो बॉक्स होगा उसके साथ एक ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और जो TV है उससे RF मोड में कनेक्ट होगा। अगर आप अपना सेट टॉप बॉक्स लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से, अगर आपके पास में ऐसा वाला TV है तो शायद आप देख पाएंगे। जो बॉक्स के ऊपर की डिज़ाइन है वो यहाँ आप देखते हैं, आप एयरटेल यहाँ पर लिखा गया है और जो कंप्लीट बॉक्स का पैकेज है वो कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो है 4K दे सकता है आपको पिक्चर क्वालिटी, यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल क्लियर पिक्चर की क्वालिटी है। प्लग एंड प्ले USB है इसमें, डॉल्बी एटमॉस मिलता है, एंड्रॉइड TV है, वायरलेस आप इसमें जो है इनबिल्ट दिया गया, यानी कि अगर आपके पास वाईफाई राउटर है तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेस आपको मिलेगा। और नीचे लिखा गया वॉच ऑल लेटेस्ट मूवीज़ और एयरटेल मूवीज़ और कनेक्ट ब्लूटूथ से, और इसमें गूगल का प्ले स्टोर भी आपको मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है यहाँ से। तो हो सकता है कि आप कुछ गेम्स भी यहाँ पर जो प्ले कर पाएँ और लाइव TV तो आप रिकॉर्ड कर ही पाएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो रखी गई है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। अगर आप इसको जो है वो 3 महीने के लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो 4,999 रुपये देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसको 12 महीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 8,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो बेस्ट ऑफर तो एक्चुअल में यही है कि आप 7,999 वाला ले सकते हैं और इसके लिए आप जो है वो अमेज़ॉन से खरीद भी सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपको जो है लगभग 3 से 6 बिजनेस डेज का टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, या फिर अगर आप एयरटेल के पहले सब्सक्राइबर हैं तो ये वाला जो नंबर है इसके ऊपर आप जो है मिस कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर हैं
जिसमें स्पीड जितनी भी मिलती है आपको, तो अगर आप वो लेने वाले हैं तो आपको GB का और डेटा भी मिल सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो इस नंबर पर घंटी मारिए या फिर आप 12150 जहाँ भी आपका नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना जो इंटरनेट TV है उसको बुक करवा दिया है, क्यों? क्योंकि आपको उसका जो रिव्यू देखना ही देखना है। JioTV जब आएगा तो उसका बता देंगे हम, लेकिन आज के लिए आपको जो है एयरटेल इंटरनेट TV के बारे में बता दिया है। अगर मैं मेरी राय की बात करूँ तो ये TV किसी भी इंटरनेट पर चल जाएगा, इसके लिए आपको एयरटेल के इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम कनेक्शन की बात करें तो 4 MBPS का चाहिए इसको, वायरलेस हो चाहे वो वाईफाई हो चाहे कोई भी हो, 4 MB का कनेक्शन चाहिए अगर आप इसको कंटेंट को स्ट्रीम करना चाहते हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये 4K बोलते हैं, आज तक मैंने जितने भी स्मार्ट TV रिव्यू किए हैं इंडिया के अंदर, उसमें से किसी की भी औकात नहीं होती कि वो 4K का कंटेंट प्ले कर पाए, वो बड़ी मुश्किल से 720p का जो है कंटेंट प्ले कर पाता है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखते हैं कि इनका डब्बा क्या काम कर पाएगा। हालांकि जियो का मैंने 4K खुद देखा है अपनी आँखों से, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने मना किया था दिखाने से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में 4K कंटेंट प्ले करना किसको कहते हैं। इनका डब्बा भी चेक कर लेंगे जियो का डब्बा के आने से पहले कि वो कितना कामयाब होगा। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा, जरूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी एयरटेल यूज़ करते हैं उनको बता दीजिएगा कि ऐसी भी कुछ सर्विस है तो आपको लेनी है या नहीं लेनी है, वो आप जो हो यहाँ पे जरूर से देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अमेजोन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जियो के लिए वेट कर लो। वीडियो को देखिए, बहुत धन्यवाद, आप बन रहो हमारे साथ और बोलते रहो। लेकिन जाने से पहले आपको एक छोटा सा जोक बता देते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद जो है वो आप डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप जो है वो चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक कुछ भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लक होना तो इंजीनियर कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है भाई साहब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो यूं ही, भारत माता की जय।